आम आदमी पार्टी का एक स्वागत समारोह अंबेडकर नगर मुरादाबाद में किया गया। स्वागत समारोह कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष सत्यम राही के नेतृत्व में किया गया, जिसकी अध्यक्षता पूर्व विधानसभा प्रत्याशी मुरादाबाद एवं प्रभारी मुरादाबाद एपी सिंह ने की एवं संचालन अभिषेक रत्नाकर ने किया। स्वागत समारोह में इस मौके पर वक्ताओं ने कहा कि अब सिर्फ वाल्मीकि समाज को आप पार्टी पर विश्वास करना चाहिए। मुरादाबाद के वाल्मीकि समाज को विश्वास है कि इस बार वाल्मीकि समाज अपने आने वाले नगर निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी को वोट देकर नगर निगम में अपनी सहभागिता निभाएगा और सत्यम राही को जिताकर नगर निगम भेजेगा। इस मौके पर कविता वाल्मीकि, जाविर हुसैन, डॉक्टर एपी सिंह, मनीष सागर, बिरजू, अशोक, राजवीर, रजनीश कुमार, बबलू, सुंदर राही आदि लोग मुख्य रूप से मौजूद रहे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सत्यम राही वाल्मीकि है और मैं आम आदमी पार्टी का जिला अध्यक्ष एससी प्रकोष्ठ। और आज जो ये कार्यक्रम रखा गया था, ये मेरे ही निवास पर रखा गया था आम आदमी पार्टी का। और जो हमारे जिले के प्रभारी डॉक्टर एपी सिंह जी मेरे निवास पर आए थे और पूर्व जिला अध्यक्ष जाविर हुसैन जी निवास पर आए थे और उनकी सहमति से उन्होंने मुझे आज आश्वासन दिया है कि वार्ड 33 का जो उम्मीदवार पार्षद आम आदमी पार्टी का होगा वो आप होंगे। मैंने उनका धन्यवाद किया और मैं अपने वार्ड के जितने भी मेरे लोग हैं उनसे आशा ही नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो मुझे जिताने का काम करेंगे। वार्ड 33 से आप चुनाव लड़ना चाहते हैं? जी। चुनाव लड़ने के बाद में आपकी क्या क्या नीतियाँ रहेंगी? चुनाव लड़ने के बाद जो मेरी नीति होगी, मुझे अपने मोहल्ले की हर समस्या का निदान करना, सड़क से लेके लाइटों से लेके नाली झाड़ू से लेके साफ सफाई से लेके जो भी कार्य होंगे वो बिल्कुल ईमानदारी से पूर्णता से उसे निभाऊंगा। इस विषय में पार्टी के लिए क्या कहना चाहते हैं आप? मैं पार्टी के लिए इतना कहना चाहता हूँ और अपने वार्ड के लोगों को भी समझाना चाहता हूँ कि दिल्ली में देख लो, अपने रिश्तेदारों से पता कर लो कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने क्या क्या किया है और किस पर्पज़ से वो काम कर रही है, क्या शिक्षा दी है, किसे रोज़गार दिया है, पानी फ्री कर रखा है, बिजली फ्री कर रखी है। और अब हमारे पंजाब में भी देख लो, सत्ता आई है आम आदमी पार्टी की, जो पंजाब के निवासी हों, जिनके रिश्तेदार रहते हों पंजाब में, फ़ोन करके पता कर लें कि आम आदमी पार्टी क्या क्या काम कर रही है और गरीबों के लिए आम आदमी पार्टी ने क्या क्या किया है। आप दिल्ली जाके देखो, जो सड़कों पे गरीब बेचारे बच्चे भीख मांगते फिरते थे और जो कूड़े में से रोटियां उठा के खा करते, तो आज आम आदमी पार्टी ने, हमारे माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने उन बच्चों को बोर्डिंग स्कूल का अलग उनका स्कूल बनाया है, अलग उनके रहन सहन के लिए बोर्डिंग स्कूल बनाया है, जो कि आज के बाद दिल्ली के अंदर कोई बच्चा भीख मांगने का काम नहीं करेगा। ये आम आदमी पार्टी की नीति है।